Hi everyone, so welcome back to my channel. I'm here with my new video. So in this video I will talk about my hair care routine. So, मैं अपने बालों के लिए क्या क्या करती हूँ जिससे इतने शाइनी हेल्दी रहते हैं. पहला स्टेप होता है वो होता है ऑयलिंग. तो आपको ये तो आप लोग सब फेमिलियर हो गए इससे, ये सबके घर पे होता है ऑयल पैराशूट का. तो पर्सनली ये मेरा सबसे फेवरेट ऑयल है. मैं इसके अलावा और कोई ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ. हाँ, तो कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो बोलते हैं कि अगर हम ऑयल यूज़ करते हैं तो हमें स्मेल आती है या बहुत ज़्यादा स्टिकी लग. अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या फिर आपको लगता है कि आपको स्मेल आ रही है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि अगर आप हेयर वॉश कर रहे हैं तो उससे कुछ 20 या 30 मिनट्स पहले आप ऑयल लगा लें अपने बालों में और आप शावर कैप पहन लें, तो इससे आपको स्मेल नहीं आएगी और आपके बालों को भी ऑयल मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है. बाद मैं हमेशा नेक्स्ट डे अपना हेयर वॉश करती हूँ. और मैं जो यूज़ करती हूँ वो है ये शैम्पू. लॉरियल का कलर होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने कलर करा रखा है. बहुत लोग जो होते हैं वो बहुत डरते हैं कि हम कलर कराएं ना कराएं, कि हमारे बाल वाइट ना हो जाएं. तो ट्रू, आपके बाल वाइट हो जाते हैं, बट आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी. कलर कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करा सकते हैं, बट कलर सिर्फ वही लोग कराएं जो अपने बालों की केयर बहुत अच्छे से कर सकते हैं. एंड साथ ही साथ मैं यूज़ करती हूँ दिस कंडीशनर. ये भी कलर प्रोटेक्ट कंडीशनर है जो मैं यूज़ करती हूँ इसके साथ. और बहुत लोग होते हैं जो कंडीशनर नहीं यूज़ करते. आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं यूज़ करते. इन कंडीशनर लगाने से आई थिंक हमारे बाल और ज़्यादा शाइनी होते हैं और सुंदर भी लगते हैं. लाइक दिस यू कैन सी दैट कितने शाइनी हो रहे हैं इस टाइम. तो मैं कंडीशनर कभी नहीं छोड़ती, हमेशा लगाती हूँ. तो ये तो था मेरा एक छोटा सा हेयर केयर रूटीन जो आपसे मैंने अभी शेयर किया. इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी. तो फर्स्ट मेरा टिप जो है वो ये है, जिन्हें भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, ऑयल और उसके अंदर आप एक काम कर सकते हैं, आप लेमन लेके, हाफ लेमन लेके उसमें आप स्क्वीज करें और दोनों को अच्छे से मिक्स करके उसे अपने स्कैल्प पे लगाएं. आप ये चीज़ अपना हेयर वॉश करने से कुछ 20 टू 30 मिनट्स पहले लगा सकते हैं. और उस सेकेंड टिप हमारी ये है, जिनको प्रॉब्लम होती है कि हमारे बाल लंबे नहीं हो रहे हैं या टूट रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाता है. तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं उसमें आप एक चम्मच अगर कैस्टर ऑयल मिक्स कर देंगे और उसे अपने बालों में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि कैस्टर ऑयल मेन हमारी हेयर ग्रोथ के लिए ही होता है. तो इसमें भी यही है कि आपको एक बार ही लगाने से इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको एटलीस्ट मंथ लगाना पड़ेगा उसे, तब जाके आपको कुछ अपना रिजल्ट नजर आएगा कि हाँ एक्चुअली हमारे बाल बढ़ रहे हैं और टूटने भी कम हुए हैं. जो भी मैंने आपके साथ टिप्स शेयर करी हैं वो मेरी खुद की पर्सनल यूज़ करी टिप्स हैं, इसीलिए मैंने आपको बताई हैं. अगर आपको इससे कुछ भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर आपको लगता है कि मैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. कमेंट बॉक्स फ्री है, बिल्कुल फ्री है. आप अपने थॉट्स, अपने सजेशन मुझे प्लीज़ शेयर करिए, जिससे मुझे खुद को बहुत हेल्प मिलेगी. सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.